वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पेटीएम पर जब आप रिचार्ज करते हैं कभी कभी, तो पेटीएम पर जो रिचार्ज होता है वो या बिल होता है जो भी कुछ होता है वो यहाँ पर इस तरीके से फील्ड बता देता है और रिफंडेड हाथों हाथ यहाँ पर इंटाइडिट करता है। तो ये क्या इशू रहता है और इसका कोई सलूशन है या नहीं है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए, वैसे यहाँ पर सलूशन की ज़रूरत नहीं होती है, जितने अमाउंट का आप कुछ यूज़ करते हैं वो बिल्कुल रिफ़ंड हो जाते हैं और हाथों हाथ ही ये रिफ़ंड हो जाते हैं। तो इसमें कोई इशू नहीं है कि ये जो रिफ़ंड है ये नहीं मिल पाएगा। अब ये इशू रहता है सिर्फ इतना कि कभी कभी कोई इशू आ जाता है, तो बिलिंग में या पेमेंट में कोई इशू आ जाता है या पेटीएम के अंदर ही कोई इशू आ जाता है तब ये दिखाता है। तो वो यहाँ पर आप जो है प्ले स्टोर में जाएंगे और प्ले स्टोर में जब जाएंगे आप और पेटीएम को अपडेट करेंगे यहाँ पर, तो ये फिर आपको नहीं दिखाएगा, दिखा रहा होगा तो वो नहीं दिखाएगा क्योंकि थोड़े बहुत इशू आते रहते हैं, बैंक से रिलेटेड भी आ जाते हैं तो दिखा देता है। आप दोबारा अटेम्प्ट करेंगे तो फिर आपका रिफंडेड नहीं होगा, लेकिन अगर ये बार बार होता है तो ये मेरे ख्याल से डीटीएच का रिचार्ज होता है, डिश का रिचार्ज होता है, किसी भी ऐसी चीज़ का रिचार्ज होता है जो कि यहाँ पर वो भी प्रोसेस नहीं कर पा रहा। अपडेट करेंगे तो वो भी प्रोसेस उसको कर पाएगा और जहाँ तक होगा वो फिर उसको सॉल्व कर देगा। तो यहाँ तक ये जो है इसी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज़ कोई और नहीं है। बस अपने फ़ोन की सेटिंग्स में ज़रूर जाकर देख लीजिएगा कि आपका टाइम डेट वगैरह बिल्कुल सेट है या नहीं है। जैसे आप सेटिंग्स में जाएंगे, नेटवर्क इंटरनेट पर जाएंगे, एरोप्लेन मोड को लगा लीजिए, बंद कर दीजिए, फिर बैक लाइए और यहाँ पर अपने सिस्टम में जाइए, डेटा टाइप पर जाइए, यूज नेटवर्क प्रोवाइडेड पर टिक करके लगा दीजिए और टाइम जोन अगर आपको दिखाई दे तो उस पर भी टिक करके लगा दीजिएगा। तो बस आपको इतना ही देखना है और कुछ भी नहीं करना है, आपकी जो प्रॉब्लम होगी वो सॉल्व हो जाएगी बस। तो ये प्रोसेस रहता है इसका। अगर यहाँ पर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।